अमृतसर में 59 में से 47 वेंटिलेटर खराब निकले, ये जानकारी सामने आ रही है। पीएम केयर फंड से भेजे गए हैं वेंटिलेटर, खराब निकले हैं। अब तक 137 वेंटिलेटर पहुंच चुके हैं अमृतसर में, लेकिन सिर्फ 40 ही वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, ये अस्पताल की तरफ से बयान आया है। एक बार नहीं चलने के बाद नहीं चलते वेंटिलेटर, ये कहना है गुरु नानक देव अस्पताल की तरफ से बयान कि गुरु नानक देव अस्पताल वेंटिलेटर की मशीन में दिक्कत, कंपनी को बुलाया गया है। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 59 ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ 50 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਆਂ, 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए अमृतसर से। तपिन, बताया जा रहा है कि 59 में से 47 वेंटिलेटर खराब निकले और ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए। जी बिल्कुल, पंजाब में इस वक्त इसी बात को लेकर बवाल जो है वो मचा हुआ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाकी मंत्री ये बात का जिक्र कर चुके हैं। बाकायदा ओपी सोनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया गया कि जो वेंटिलेटर्स आ रही हैं वो सारे ही खराब निकल रहे हैं, और जो नई अमृतसर में खेप आई जिसमें 59 जो थे वो आए थे, उसमें 47 खराब निकले हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो खामी देखी जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से टोटल जिस तरह से। लेकिन तपिन, कल केंद्र की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था कि उनके वेंटिलेटर बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने भी अपना पक्ष रखा है, क्योंकि जी मीडिया पर एक खबर दिखाने के बाद केंद्र ने भी अपना पक्ष रखा है। और बताया जा रहा है कि जो देसी वेंटिलेटर हैं जो इंडिया से में बनाए जाते हैं वो वेंटिलेटर बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल जो हमने दिखाई तस्वीरें किस तरह से खुले पड़े हैं और उनको चेक करके एक बार देखा जा रहा है कि एक बार में चल के ये बंद क्यों हो जाते, क्योंकि उससे जो पेशेंट है उसकी जान जा सकती है। तो इसलिए ये बड़ी खामी है, इस पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने हमें संक्षेप में बताया कि अगर जिस तरह से ये वेंटिलेटर पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अचानक ये बंद हो जाता है तो उससे पेशेंट की जान जा सकती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो चलते चलते ये जो वेंटिलेटर है ये बंद हो जाते हैं, तो ये बड़ी खामी है। इसलिए जो है अब इसको केंद्र सरकार से जो है पंजाब सरकार बात कर रही है कि आखिर इसमें जो खामी है और अपनी टीम भेजी जाए इस कंपनी की, जिस कंपनी की जो वेंटिलेटर है वो चेक करे आके कि ये खामी किस तरह से दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त वेंटिलेटर्स की काफी बड़ी तादाद चाहिए, जरूरत है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन पर जो है वो काफी बड़ी तादाद में जो कोरोना वायरस पीड़ित है वो पहुंचे हुए हैं। इसलिए अब जो ये गुहार लगाई जा रही है कि इसकी टीम भेजी जाए, क्योंकि पंजाब सरकार खुद इसे नहीं ठीक करवा सकती, क्योंकि जिस कंपनी के साथ टाइप किया गया वही कंपनी जो है इसको जो है वो दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स पहुंच रही हैं और उनको ठीक करवाने के लिए वही कंपनी ज्यादा बेहतर सही तरीका बता सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तपिन, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो कंपनी है जिसने बनाए वहां से हालांकि इंजीनियर बुलाए गए हैं, वहां के मैकेनिक बुलाए गए हैं जो इन वेंटिलेटर्स को सही कर सके, लेकिन पंजाब और केंद्र सरकार के बीच वेंटिलेटर को लगातार सियासत भी हो रही है, एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है।